प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स पढ़े थे। अब चलिए आइए उसके आगे क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास के आगे पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठीय रसायन में पढ़ रहे थे तो उसके आगे का जो चैप्टर है टॉपिक्स है वो है टिंडल प्रभाव। तो आप इसको टॉपिक बनाएंगे टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, क्या होता है, तो इन चीजों को समझने से पहले आप कुछ एरो दीजिए, लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी में टिंडल ने पाया कि, टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है प्यारे बच्चों, टिंडल ने पाया कि किसी प्रकाश पुंज को एक वास्तविक विलयन से होकर प्रवाहित किया जाए तो उस कण को तब तक नहीं देखा जा सकता है जब तक उस कण को तब तक नहीं देखा जा सकता है जब तक कि आंख को सीधा उसके मार्ग में न रखा जाए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित किया जाता है तब प्रकाश के किरण का पथ प्रभावित हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे जब कोई प्रकाश पुंज एक छेद से होकर अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छोटे छोटे धूल कण नजर आते हैं, उन्हें ही टिंडल प्रभाव समझा जाता है चलिए प्यारे बच्चों हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में अभी कुछ लिखे बात। टिंडल प्रभाव प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा कि टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जो 1869 ईस्वी में ये हम लोगों को बताया या फिर जानकारी दिया, अपना थ्योरी
को दिया, उसमें यह बताया कि जब किसी भी प्रकाश पुंज को, प्रकाश किरणों को अगर कोलाइडिविलियन से अगर पास कराया जाए तो वो अपने पथ से प्रभावित हो जाता है, यानी कि कोलाइडिविलियन के वजह से उसका जो पथ है वो प्रभावित हो जाता है, भटक जाता है, जहां जाना था वहां नहीं जा पाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है, यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल ने एक और बात बताया कि अगर टिंडल प्रभाव वाले कणों को देखना होगा तो आपको जो अपना आंख है उसके सीधे मार्ग में रखना होगा। प्यारो बच्चों, इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझना है कि आखिर ये बात उन्होंने क्या बोला कि आपको आंख को सीधे मार्ग में रखना पड़ेगा तब आप उस कण को देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग ये भी लिखे हैं कि एक अंधेरा कमरा में जब प्रकाश को पास कराया जाए तो उसमें आपको जो धूल कण नजर आते हैं वो भी एक टिंडल प्रभाव के माध्यम से समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको या फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि पूरा अंधेरी रात में, चारों तरफ पूरा अंधेरी रात है और आप रात में हाथ में टॉर्च लिए हुए हैं, टॉर्च को जलाए हुए हैं। जैसे टॉर्च जलता है प्यारे बच्चों, आपको दिखता है कि जहां टॉर्च का फॉक्स जाता है सामने उसके बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारी कण आपको तैरते हुए नजर आते हैं, एकदम छोटी छोटी कण उसी रास्ता में जहां पे टॉर्च का फॉक्स जाता है, उसमें बहुत सारा कण लगेगा कि बहुत सारे कण इधर उधर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वही टिंडल प्रभाव है और ऐसा प्रोसेस तब होता है जैसे मान लिया कि पूरा का पूरा एकदम अंधेरा रूम है और उसमें एक खपड़ा का मकान है, खपड़ा से छाया हुआ है, खपड़ा थोड़ा सा खिसक गया है, थोड़ा सा छेद है और पूरा दोपहर का दिन है, पूरा हाई लाइट आ रहा है, सन का, सूर्य का पूरा रोशनी आ रहा है, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधा टॉर्च के फोक जैसा ही अंधेरा रूम में वो प्रकाश प्रवाहित होगा, यानी कि आएगा। अब जैसे ही अंदर रूम में वो प्रकाश का किरण आएगा और आप अंधेरे रूम में बैठे हुए हैं तो आपको प्यारे बच्चों दिखेगा कि उस फॉक्स में, यानी जो किरण का जो फॉक्स आ रहा है उसमें बहुत सारे कण जो है भटक रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यही प्रक्रिया जो है किस पे आधारित है? तो टिंडल प्रभाव पे आधारित है। तो प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण को या पुंज को जब कोलाइडिविलियन से पास कराया जाता है तो अपना रास्ता जो है प्रभावित कर लेता है, भटक जाता है, यानी कि उसमें कुछ अवक्षेप आता है, यानी कि सीधा नहीं जाता है। क्योंकि आप प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है सीधा का मतलब, तो जब वो छोटा कण क्यों आखिर तैरते रहता है, क्यों? क्योंकि वो तो सबसे पहला कि एक दूसरे से टक्कर करते हैं और ये टक्कर आपको दिखता नहीं है, कोई बस और ट्रक आपस में घटना दुर्घटना नहीं हुआ है कि आपको ये दिखेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं, वो हवा से हल्की होती है, वो बैठ नहीं पाती है, और वो उसमें गति कहां से आता है? तो एक कण आगे मूव कर रहा है और दूसरा कण टकरा गया, तो फिर टकराने के बाद से आप पढ़े हैं ना न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो जैसे ही टकराते हैं फिर इसमें मोशन आ गया, जैसे ये टकराया तो टकराने के बाद और इसमें भी वेलोसिटी आ गया, इसमें भी वेलोसिटी आ गया, दोनों फिर मुड़ रहा है, और ऐसा टक्कर ना जाने प्यारे छात्रों कितनी बार होता होगा कोलाइडी कणों में। तो ये घटना क्या कहलाती है? यही घटना होता है टिंडल प्रभाव में। अब जरा टिंडल प्रभाव के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ब्राउनी गति के बारे में, और ये ब्राउनी गति क्या है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ब्राउनी गति VVI इसको कर लीजिएगा, ये पूछता है, पूछ चुका हुआ है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, तो जरा इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए ब्राउनी गति के बारे में। लिखा जाए 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, नाम ही है इसका रॉबर्ट ब्राउन, प्यारे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन इसी से आया है ब्राउनी गति। अक्सर बहुत सारे हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना,
फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें यही होता है कि अक्सर वैज्ञानिक लोग अपने नाम पर ही कुछ थ्योरी कुछ लॉ दे देते हैं और उसका उससे रिलेटेड नाम को रख दिया जाता है। तो यहां पे ब्राउनी गति है, तो यहां लिखेंगे 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखने वाला एक यंत्र है। एक होता है प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप, एक होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वह स्कोप है, वह यंत्र है जो छोटा से छोटा कण को देखने के लिए तैयार है या उसके लिए रेडी है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से पाया गया कि कोलाइडी विलयन में कणों की गति अनियमित रूप से होती है कॉमा कोलाइडी कणों के इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ब्राउनी गति जिगजैग स्पेलिंग इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा जिगजैग पाथ पर क्रियाशील होता है। चलिए पहले बच्चों ब्राउनी गति के बारे में जरा पढ़ते हैं, और ये चीजें आती भी है क्वेश्चंस हम लोग की बोर्ड एग्जाम्स में कि ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति एक प्रकार की वैसी गति है, और किसकी गति, तो कोलाइडी विलयन में जो कणों की गति। अभी हम लोग समझे ना कि अंधेरे रूम में अगर एक प्रकाश को प्रवाहित किया जाए, एक प्रकाश को लाइट को गुजारा जाए, तो उसमें बहुत सारे कण आपको उस लाइट के फॉक्स में आपको तैरते हुए नजर आ जाएंगे। तो यही है टिंडल प्रभाव, लेकिन उसमें जो कणों की गति होती है ना बिल्कुल अनियमित होती है। प्यारे बच्चों अभी हम बोले भी हैं कि उनकी न जाने कितनी बार टक्कर होती है कणों की, तो उसमें जो कणों की गति होती है ना वो अनियमित रूप से होती है। अनियमित का मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है कि वो सीधा चलेंगे या टेढ़ा चलेंगे, वो कभी भी ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे। यानी कि जब उनका तब उसको बोला जाता है ब्राउनी गति। ब्राउनी कहां से नाम पड़ा, वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा जो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति के बारे में बताया। उन्होंने यही बताया कि कोलाइडी कण विलयन में जो कण होते हैं उनकी गति अनियमित होती है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होती है, और इस अनियमित गति को ही हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति के बारे में तो सीख लिए, लेकिन अब ब्राउनी गति होता क्या है। तो ब्राउनी गति का मतलब कोलाइडी विलयन का जो कण है ना, जैसे मान लिया कि कोई कण यहां स्टार्ट कर रहा है, देख पा रहे होंगे कि हर बार टक्कर हुआ और हर बार अपना पोजीशन को चेंज किया। यानी कि एक कण है कोलाइडी कण, पहले यहां गया, यहां किसी और से टकराया होगा, फिर यहां आया, फिर यहां टकराया होगा, आगे गया, फिर यहां आया, फिर टक्कर हुआ, फिर आगे की ओर बढ़ा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति जिस रास्ते पर हो रहा है, मतलब कि ऐसे ऐसे रास्ते को हम लोग बोलते हैं जिग जैग पाथ।
जिगजैग रास्ता, ठीक है। तो इस फिगर को ब्राउनी गति के नीचे बना लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जीटा विभव। हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स, देंगे जीटा विभव। जीटा विभव, जरा अब जीटा विभव क्या है, हालांकि इससे पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन समझना जरूरी है, टॉपिक्स है। तो चलिए फर्स्ट एरो देखेंगे, लिखेंगे जीटा विभव के बारे में। जीटा विभव का फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए जब कोई ठोस द्रव के संपर्क में रहता है, तब द्रव के संपर्क में रहता है तब ठोस और द्रव के तल पर ठोस और द्रव के तल पर ठोस और द्रव के तल पर एक द्विसतह उत्पन्न हो जाता है। एक द्विसतह उत्पन्न हो जाता है कॉमा इस द्विक सतह के एक भाग, इसी में लिखेंगे, अभी फर्स्ट एरो में ही लिखना है, एरो चेंज नहीं करना है, कॉमा करने के बाद इस द्विक सतह के एक भाग ठोस के तल पर स्थिर रहता है। ठोस के तल पर स्थिर रहता है, इसे स्थिर भाग कहते हैं। इसे स्थिर भाग कहते हैं। नेक्स्ट एरो देंगे द्विक सतह का दूसरा भाग, द्विक सतह का दूसरा भाग आयनों की चलायमान सतह का बना होता है। आयनों की चलायमान सतह का बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड एरो लिखेंगे, द्विक सतह के स्थिर और द्विक सतह के स्थिर और चलायमान भाग पर विपरीत आवेशों की उपस्थिति के कारण इन दोनों भागों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है कॉमा इसी विभवांतर को ही इसी विभवांतर को ही जीटा विभव कहा जाता है। इसी विभवांतर को ही जीटा विभव कहा जाता है। इसी विभवांतर को ही जीटा विभव कहा जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं जीटा विभव के बारे में। जीटा विभव, अगर कोई पूछेगा कि जीटा विभव क्या है, तो आप बच्चे बोलेंगे कि हम लोगों को दो चीजें चाहिए, एक ठोस और एक द्रव। यानी कि जीटा विभव वही उत्पन्न होता है बच्चे, जहां पे ठोस और द्रव का कॉम्बिनेशन किया जाए। बढ़िया से समझिएगा,
यानी कि जब ठोस को एक द्रव के साथ परस्पर संयुक्त किया जाए, परस्पर बांधा जाए, परस्पर एक तरफ मिलाया जाए, किसको किसको, एक ठोस को और एक द्रव को, यानी कि जीटा विभव की जो क्रिया होती है एक ठोस और एक द्रव के साथ होती है। पक्की बात? चलिए, यानी कि ठोस और द्रव को एक साथ कॉम्बिनेशन करना है, और ठोस और द्रव को एक साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसमें आवेश, आपको पता है, जैसे एग्जांपल, ये मेरा भी ठोस है और ये द्रव है, और जब दोनों को एक साथ मिश्रित किया जाए तो दोनों का सतह आसपास टच होगा, देख पा रहे होंगे, ये इसका सतह इधर है और इसका सतह इधर है, और दोनों को अगर हम टच कराएंगे, तो दोनों को टच कराने के वजह से एक आवेश, यानी कि एक जो आवेश होगा उस ठोस पृष्ठ पर चिपक जाएगा, और वो चिपक जाएगा मतलब कि वो स्थिर रहेगा, वो आवेश कभी नहीं बदलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्थिर भाग। यानी कि प्यारे बच्चे, जीटा विभव जो होता है वो ठोस और द्रव के कॉम्बिनेशन के वजह से होता है, और ठोस और द्रव में जो कॉम्बिनेशन हुआ उसके बीच का आदान प्रदान होने लगता है आवेश का, आवेशों के आदान प्रदान के वजह से जो आवेश ठोस पृष्ठ पर स्थिर हो गया, यानी कि या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है, यदि अगर प्लस आवेश अगर ठोस पर आकर रह गया, जम गया, छूट गया, तब हम उसको बोलते हैं स्थिर भाग। और प्यारे बच्चे, और जो बाकी का आवेश है वो द्रव में रह जाता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों चलायमान सतह या चलायमान भाग। यानी कि जीटा विभव में दो तरह का भाग होते हैं, एक को स्थिर भाग बोलते हैं, एक को चलायमान भाग बोलते हैं। स्थिर भाग उसे कहा जाता है जिस ठोस या द्रव पर वो आवेश जो है स्थिर हो जाता है, और उसको चलायमान बोलेंगे जिस पर आवेश हमेशा क्रमानुसार बदलते रहेगा। और प्यारे बच्चे, वो ऐसा होता है कि चूंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज और द्रव पे आ गया सपोज द निगेटिव चार्ज, तो दोनों के विपरीत आवेश के वजह से यहां से विभवांतर भी उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, लेकिन ये विभवांतर इतना कम होता है कि हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर यही विभवांतर उत्पन्न होता है दोनों के बीच, तब हम लोग इसको बोलते हैं जेटा विभव, यानी कि दोनों आवेशों के बीच, दोनों सतहों के